जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लाइव बताएंगे किस तरह अनुबंध करते हैं आपका ऑनलाइन, ठीक है। पूरे इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे आप लोग पोर्टल पर जाओगे, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा लॉगिन पर, ठीक है। जहाँ पर लॉगिन क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा जो ID पर जो डालना पड़ेगा प्लस मेरा जो पासवर्ड वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं ID और पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट ऑनलाइन। यदि आप लोगों के पास ये आया हुआ मैसेज तो आप लोग यहाँ पर जल्द से जल्द कर लें आप लोग, ताकि आप लोग भी आवेदन कर सकें, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे मैं ID और पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो मैंने ID पासवर्ड यहाँ पर डाल, अब आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है। आप लोग क्लिक करोगे आवेदन की शीट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट हो जाएगी जितने भी आपने कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए। तो इनका एक आ चुका है कॉन्टैक्ट बाय एक्सेप्ट बाय, वो मैं बताया कहाँ से करना है। तो अब हम चलते हैं उस वाले पोस्टन पे। देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, यहाँ पर दिख रहा है कॉन्टैक्ट रिसीव्ड, ये आ चुका है, ठीक है। इनका मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट पर। देखिए अब मैं थ्री डॉट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आप जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका जो जो इसके जो निर्देश वो आ जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए जैसे मैंने थ्री डॉट पर क्लिक किया, यहाँ जो हमारे सामने जो आवेदन की स्थिति आ गई, मान लो हमको अनुबंध वो यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन आपको कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट में ऑन जॉब प्रश्न के लिए यहाँ पर चुना गया है। संबंधित ऑन जॉब प्रश्न के प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध आपका जो टेम्परेरी कॉन्टैक्ट ID वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, ठीक है ना। और अगले 7 दिवस के भीतर अनुबंध के सभी दिशा निर्देश पढ़ें और अनुबंध स्वीकार करें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो अनुबंध होगा बी कॉन्ट पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी का कोर्स लिखा हुआ है, उनका कोर्स कोड लिखा हुआ है, 12 मंथ की ट्रेनिंग होने वाली, जो सैलरी मिलने वाली वो रहेगी 8,500 रुपये, ठीक है। और इनका जो ITI से नॉन इंजीनियर से हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल पद वो 6 पद यहाँ पर जारी की गए, टोटल इनके जो पद हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वो पढ़ लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो कॉन्टेंट इंग्लिश में जनरेट होगा तो आप लोग हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख जाएगा प्रतिष्ठान का नाम देख जाएगा, मध्य प्रदेश आपका कहते हो विद्युत कंपनी, ठीक है। ये आपका विद्युत मंडल में निकला हुआ है। और कर्मचारी संगठन की जगह प्राइवेट रहेगा प्रतिष्ठान का प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो रहेगा OTG कहाँ पर विधि सामने का होना है, ठीक है ना। और यहाँ पर नाम भी दिया हो, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पढ़ लेना आप लोग। तो हम कॉन्टैक्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं पहले हम कॉन्टैक्ट। देखिए जैसे आप लोग व्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये PDF खुल जाती है। तो हम PDF को डाल लेते हैं डाउनलोड यहाँ से। अब देख जैसे मैंने क्लिक किया, इनके जो PDF वो हमारे सामने जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कंपनी का नाम है वो मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनी आ चुका है। और यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर ही मिला दिया जाएगी, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। शुभम एरवन का नाम आ चुका है और इनकी जो ID वो भी आ चुकी है। यहाँ पर जो एड्रेस है किस जगह होना है आपका ट्रेनिंग वो आ चुका है, ठीक है ना। मेल आ चुका है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वो आ चुकी है। यहाँ पर किस कैटेगरी में आते हैं, एजुकेशन की जो ITI क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका जो कोर्स आएगा वो रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। इनकी जो ट्रेनिंग है वो 12 मंथ की होने वाली, इनकी जो ट्रेनिंग है वो 1/9 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी 1/9 से सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी और 31/8/2024 चलने वाली, ठीक है ना। ये चलेगी 12 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इनका कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, पर आप लोग दे सकते हैं आपका MPMKVVCL, ठीक है। ये कंपनी है विद्युत वितरण कंपनी, ठीक है। और आपका जो कॉन्टैक्ट एक्सटेंशन जो कब होगा 16 आपको 16 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों को, ठीक है इनका। और एज इनकी जो 20 ईयर्स है 3 महीने, ठीक है, बता दी इन्होंने टोटल कितनी होने वाली है। और यहाँ पर जो सैलरी आपको पता है इनकी 8,500 यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है ना। इनका ये साधारण हुआ है। और यहाँ पे इनको जो सिग्नेचर हो जाएंगे इनके एम्प्लॉयज के, यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पर इनकी जो अथॉरिटी है वो वहाँ पर साइन करके दे देगी, ठीक है। यदि इनको एक्सेप्ट या कॉन्सेप्ट करें, अभी मैं आपके सामने इनको एक्सेप्ट करके बताऊँगा आप लोगों को, इस तरह आपको लिखा हुआ है। और इसके जो निर्देश हैं वो आप लोग यहाँ पर निर्देश देते हैं जी, आपको ये निर्देश होने वाले हैं आप लोग, ठीक है, पूर्व पढ़ लेना। इसके जो निर्देश हैं हमने हिंदी में कर दी कन्वर्ट, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो निर्देश है हिंदी में पढ़ सकते हैं। आप लोग पूरे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिए। इसके हम PDF दे देंगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ से जा देख सकते हैं पूरी वीडियो को, ठीक है। तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं अब कॉन्टैक्ट को एक्सेप्ट, ठीक है ना। आपने PDF पढ़ने के पश्चात आप लोगों को यहाँ पर जाना है, आपको दिख रहा है यहाँ पर उपरोक्त नियम, ठीक है, आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर क्लिक करना, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये जो बटन है वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएगी, एपसेट प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट कौन सा है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा बॉय, ठीक है, क्लिक कर, इस पर मुझे क्लिक करता हूँ मैं। अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे सामने ये पे आ जाएगा आपका इंसान का ई कॉन्टैक्ट करने का। तो यहाँ पे मुझे जो आधार नंबर वो डालना पड़ेगा और यहाँ पर जो OTPI वो डालना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ अपना। देखिए मैंने अब यहाँ पे इनका जो आधार नंबर डाल दिया, OTP इनके मोबाइल चला गया इस नंबर पे, अब OTP यहाँ पे आने वाला है, OTP मैं यहाँ पे डाल दूंगा और फिर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा अभी। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो OTP डाल लिया और अब मैं यहाँ पे सबमिट दिख रहा आप लोगों को ये वाला, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर जैसे एक कंपनी के साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट किया, बाकी मेरे जितने थे यहाँ पर सभी ऑटोमेटिक मेरे रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सब दिख रहा आपको यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ भी ये होने वाला है कि यदि आप एक जगह कर लिया आपने कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट तो आपका सभी जगह आपका रिजेक्ट हो जाएगा,
दिमाग ही आपका ये चलने वाला, ठीक है। तो फिर आपको इसमें बुलाया जाएगा, अब इनके लिए जैसे ही कोई कॉल या मैसेज आएगा फिर ये उसमें ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इनका जो कॉल एप्स कर लिया है यहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोग हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक यू।